Hello guys, and welcome to mathematics and applied linguistic tutorials. Guys, ये हमारा second lecture है, part 2 है number system की जो lecture series है उसका, ठीक है. और अगर आप ये lecture directly जो है आप ये second lecture देख रहे हैं, आपने first lecture नहीं देखा है, तो I would request you कि please first you know, watch my lecture number 1 और उसके बाद आप ये lecture number 2 देखें, जिससे कि आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, आप इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे इस वाले लेक्चर का, ठीक है. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट जो हमने जो खत्म किया था वो हमने नंबर्स की डिवाइडेशन पे खत्म किया था, ठीक है, और प्राइम नंबर्स भी हो चुके थे. तो मैं आपको ये जो बता रहा था ये फिर मैंने बीच में रोक दिया था, ठीक है. तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है. वैसे आपको डायरेक्टली इस नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि बताओ ये नंबर प्राइम है या नहीं है. बहुत कम चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन आने के, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है. लेकिन ये आपको कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है. ये आप जब कैलकुलेशन करोगे जब वहाँ पे आपको ये बड़ी हेल्प करता है गाइस, ठीक है. वहाँ पे आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नहीं है, कौन सा आगे फैक्टराइज होगा, कौन सा नहीं होगा. फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प करता है आपकी, ठीक है. तो इस टॉपिक पे आपकी थोड़ी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. तो देखो, जब अगर आप कभी कन्फ्यूज हो जाओ, आपको समझ में नहीं आए कि कैसे चेक करना है गाइस, तो उसका एक तरीका है, ठीक है. अच्छा, तरीका बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं. तो जैसे आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमारी समझ में आ गया, बहुत अच्छा, हमने कुछ सवाल कर लिए, बहुत अच्छी बात है. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है. जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो हम वापस इस टॉपिक को उठाएंगे, तो उस वक्त तक हम इस टॉपिक को 100% याद नहीं रख पाएंगे गाइस, ठीक है. तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम होगी, तो फिर हम वापस से अपनी बुक्स निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने प्रॉपरली कुछ लिखा नहीं था, तो अब हमें प्रॉपरली याद भी नहीं आ रहा है. तो फिर हम अपने सवालों को ढूंढते हैं, जब हमने सवाल सॉल्व किए होते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया था, या फिर हम वापस से उस वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो ये सब करने की बजाय मैं आपको ये बताऊँगा कि आप एक काम करें, एक जगह पर जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप लिख लें, ठीक है, और फिर उसको रख दें. फिर आप कितने भी सवाल सॉल्व करें, कुछ भी करें, उसके बाद जब भी आप वापस को आपसे आपको ये टॉपिक एक बार रिवाइज करना होगा ना, तो आपको कुछ भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप एक बार स्टेप्स देख लेना और आपके दिमाग में सब कुछ पहले की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है. और ये बहुत काम करता है गाइस, ये तरीका जो होता है, ठीक है. हमें वापस कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. जो आपके नोट्स होते हैं ना गाइस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन टाइम पर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ होती है तो वो नोट्स होता है आपके, ठीक है. तो मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ, ठीक है. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है. अच्छा, इसका आपको एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालना है गाइस, ठीक है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालना है. बस आपको वो नंबर निकालना है जो इसके स्क्वायर रूट के एकदम क्लोज हो, पास में हो, ठीक है. बस आपको वो नंबर निकालना है. जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि देखो अभी 443 है, तो आप देखोगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 गाइस, ठीक है. और 21 का कितना होता है, ठीक है, तो 21 इंटू आप 21 करोगे तो देखो 21 42 1 4 4, ठीक है. इसके एकदम पास में है, ठीक है. तो आप अब यहाँ पे एक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है गाइस, फाइंड द क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है. देखो इस केस में ये है 21, ठीक है. अब क्या करना है आपको, अब आपको 2 से लेके और 21 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
उनको उनका ये चेक करना है कि इसमें आप कंप्लीट डिवाइड दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, ठीक है। अगर आप उनसे किसी एक नंबर का आप डिवाइड इसमें चला जाता है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो हम चेक करते हैं, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे गाइस, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से करेंगे, ऑफ कोर्स है नहीं जाएगा। 3 से करेंगे, नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से करोगे, नहीं जाएगा। और आपके 11 से करोगे, नहीं जाएगा, ठीक है। 13 से करोगे, नहीं जाएगा, ठीक है। आप 17 से करोगे तो 17 का भी नहीं जाएगा गाइस, ठीक है। तो 19 का करोगे तो 19 का भी नहीं जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है प्राइम नंबर्स का जो है डिवाइड नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो 443 है ना, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हम इस तरीके से निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड द क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या था, ट्राई टू डिवाइड द नंबर बाय ऑल दोज नंबर्स विच फॉल्स बिटवीन 2 एंड द नंबर विच वी गॉट इन स्टेप 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, देखो सबसे पहले आपको जो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट है गिवन नंबर का वो निकालना है, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद 2 से लेकर और जो वो नंबर आपने निकाला है गाइस, ठीक है, उसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है, ट्राई टू डिवाइड द नंबर बाय ऑल दोज प्राइम नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे प्राइम भी डाल लेना, जितने भी प्राइम नंबर लाई करते हैं गाइस, ठीक है, उन सब से उस नंबर को डिवाइड करके देखो, डिवाइड चला जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं जाता है तो वो एक प्राइम नंबर है गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है एक और देखते हैं, ठीक है, ये है 91। तो 91 को देखोगे तो आप देखो इस ये किसके स्क्वायर रूट के सबसे पास आएगा, जो 9 का स्क्वायर रूट होता है 81, ठीक है, और 10 का होता है 100, तो ये 100 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो हम इसको 10 लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप देखोगे इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके सबसे पास में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो लाई करेगा अपने 9 और 10 के बीच में, तो 10 जो है इसके ज़्यादा पास में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 91 से 81 में 10 का गैप है और 91 से 100 में 9 का गैप है, तो जो 10 है जो स्क्वायर रूट वो इसके ज़्यादा पास है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके 10 तक के सारे हम इसमें वो डिवाइड करके देखेंगे प्राइम नंबर्स का, ठीक है। तो देखो अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 10 5 से जाएगा नहीं, ठीक है, 7 से, तो 7 बन जा 7, कैरी के बच्चे 2, ठीक है, 21 और 7 3 जा 21, ठीक है। तो यानी कि 7 का अगर आप डिवाइड दोगे तो 7 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, और डिवाइड चला गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर की तो क्योंकि प्राइम नंबर की तो ये प्रॉपर्टी होती है गाइस कि उसमें किसी भी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता है एक्सेप्ट 1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है।
तो देखो देखो अब जो नंबर्स होते हैं गाइस, ठीक है, तो आपको पता होगा डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं आपको ये भी पता होगा, कोई भी नंबर हो जिसके बाद डेसिमल आ रहा हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन, जो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो, ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कोई भी फ्रैक्शन हो जब उसको हम कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं तो वो एक नंबर बन जाता है जिसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यानी कि 1/2 है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से होते हैं, तो ये डेसिमल नंबर्स ही होते हैं। कुछ भी हो सकता है 2.124, ठीक है, 81.96, वट एवर, ठीक है। अच्छा, जिसमें भी पॉइंट के बाद कुछ आ रहा हो, 81.96, 2.124, ऐसे कुछ भी आ रहा हो उसको बोलते हैं हम डेसिमल, जहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नंबर हो, ठीक है। अच्छा, तो अब डेसिमल में गाइस दो तरीके के डेसिमल होते हैं, एक तो होते हैं रिकरिंग, एक होते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल, अच्छा, नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए गाइस। नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल गाइस वो होते हैं जहाँ पे जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 1.245, ठीक है, इस टाइप से 1.287, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना गाइस, ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। और देखो ऐसा भी नंबर हो सकता है 1.244897, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसमें भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो वैसे आप कहोगे 4 यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, बट एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे नॉर्मली रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बंद ही नहीं होते, ये सो ऑन चलते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये सिर्फ यहीं तक है, मतलब ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। जितना आपको पता ही होगा गाइस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो बढ़ते जाते हैं, बंद ही नहीं होते, जैसे कि पाई होती है, ठीक है। अब 22/7 पाई की जो वैल्यू होती है वो ना तो वो, मतलब वो होती है नॉन रिकरिंग, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर साइंस में रिपीट भी नहीं होते, ठीक है, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो हर बार रैंडम नंबर आता है बार बार, ठीक है। और नॉन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो चलते ही चले जाते हैं, उनका कोई एंड भी नहीं है, उसका वैल्यू निकालते जाओ आगे निकलती जाएगी, निकालते जाओ आगे निकलती जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होते कहीं पर जाके, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल में रिपीट नहीं हो रहे होते, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो बंद ही नहीं होते, बार बार आते जाते हैं नंबर, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं गाइस जैसे कि 0.3333333 सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जब कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है तो इसको हम ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 3333 ऐसे इस तरीके से नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अब रिकरिंग डेसिमल दो टाइप के होते हैं, प्योर रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। प्योर रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं गाइस, ठीक है। तो जो प्योर रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो गाइस इस टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 2, 4, अब यहाँ पे आ गया डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हों, जब जैसे कि बार बार 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी हो, मतलब कि जब पॉइंट के बाद वाले नंबर सबके ऊपर जब बार होता है ना, ठीक है, बार कब लगता है, जब नंबर बार बार रिपीट होता है एक पर्टिकुलर सेंस में, ठीक है, तो उस वक्त बार लगता है, जैसे कि 3333, 2424, 2424, तो इस 24 के ऊपर बार लग जाएगा, इसका मतलब बार बार 2424 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गाइस प्योर रिकरिंग, जहाँ पे डेसिमल के बाद सारे नंबर्स के ऊपर बार होता है, ठीक है।
मिक्स्ड रिकरिंग कैसे होते हैं गाइस, जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी नंबर है जैसे कि 1.28999999, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है। तो देखिए 28 तो रिपीट नहीं हो रहा है, बट 999 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे बार के साथ, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1.289 और 9 के ऊपर बार लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 9 ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई और नंबर रिपीट नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं जब डेसिमल के बाद दोनों तरीके के नंबर हों, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, ठीक है, सॉरी नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, जब दोनों इस तरीके के नंबर हों तो उसको बोलते हैं गाइज हम मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा तो देखो, अब आपको ये तो पता है कि भाई फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि मतलब अगर इस टाइप का अपने को कोई वो दे रखा हो, ठीक है, उससे हमसे बोले कि भाई रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो वो आपको चेंज करना आता है गाइस, ठीक है, वो आपको नहीं आता है। इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ठीक है, जनरली तो नहीं आते हैं बट आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हमको ज़रूर आने चाहिए। कई लोग इनको छोड़ भी देते हैं गाइस, ठीक है, बट मैं छोड़ने में बिलीव इसलिए नहीं रखता, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो टॉपिक हमने छोड़ा उसी टॉपिक में से सवाल आना तय है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही काम करता है कि वो सौ टॉपिक पढ़ के जाएंगे, वहाँ से सवाल नहीं आएगा, जो टॉपिक छोड़ के जाएंगे सारे सवाल उसी में से, ठीक है। तो अपने को वो चांस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, तो अपने को हर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए अब जब हम अपने को जब रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में कोई चीज़ चेंज करनी होती है तो वो कैसे होती है चेंज, ठीक है। तो देखो जैसे कि दो टाइप के होते हैं, प्योर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो हम प्योर फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। प्योर फ्रैक्शन हमने लिया, हमने 0.3 इसके ऊपर बार है, ये हमने ले लिया है गाइस, ठीक है। ये मैंने प्योर फ्रैक्शन गलत लिख दिया, ये प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन होना, सॉरी प्योर रिकरिंग वो होना चाहिए था, ठीक है, इसको आप सही कर लेना, प्योर ठीक है। अच्छा अब देखो जब प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये 0.3 है, ठीक है, 3 इसमें रिकरिंग है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे गाइस। तो देखो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। अब हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 10, ठीक है, बोथ साइड पे आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो गाइस ये हो गया 10x, ये हो गया, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया गाइस, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है, 0.33333, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10x माइनस एक्स किया इज इक्वल टू 3.333, ये गया, और माइनस 0.3 माइनस x, ठीक है, आपने यहाँ से x माइनस कर दिया। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो ये है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो देखो 10x में से x गया तो यहाँ बचा 9x, ठीक है, यहाँ ये 3.333 और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू रख दी जीरो, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी 0.33 इस तरीके से, ठीक है। तो 3.33 में से 0.33 माइनस होंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 3/9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, 3 से
थ्री बार कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन थ्री। तो 0.3 का जो फ्रैक्शन में जो नंबर आएगा वो आएगा 1/3। ठीक है गाइज। अच्छा अब मैं इसका, ये तो था गाइज मेथड नंबर वन, ठीक है, जो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से इंसान कर सकता है इसको चाहे तो। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला मेथड, नंबर टू वाला मेथड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद एज मैनी नाइन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है गाइस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में तो आप लिखो जितने भी नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो रिकरिंग नंबर्स हैं टोटल, वो जितने भी हैं डेसिमल के बाद वो सारे लिख दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे तीन ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली तीन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जितने रिकरिंग नंबर्स हैं उतने ही नीचे नाइन लिख दो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 0.32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें दो दो हैं रिकरिंग नंबर, ये दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो लाइन लिखने हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर आपने एक यहाँ पे नाइन लिख दिया, ठीक है। यही आपका फ्रैक्शन है। अब देख लो सेम फ्रैक्शन आ गया, थ्री से ये गया थ्री, तो 1/3 आ गया आपका आंसर, सेम फ्रैक्शन आ गया ना, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। दोनों ही मेथड बहुत सिंपल हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए ज़्यादा, उससे आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आराम से ये वाला सवाल करना है, ठीक है। वैसे देखो इसमें तो आप ये कहाँ इस चक्कर में पढ़ोगे ये सब करने में, ये सबसे सिंपल है। जो भी रिकरिंग नंबर है वो लिखा आपने, जितनी बार रिकरिंग नंबर मतलब जितने रिकरिंग नंबर हैं उतने आपने नाइन लिखे, आपका आंसर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत सिंपल है। अच्छा अब देखो आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि मान लो अगर यहाँ पे तो ये 0.3 है, अगर ये 2.3 होता या 4.3 होता तो क्या करते। तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे 2 प्लस जो आपका ये फ्रैक्शन आया है 1/3, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इनको प्लस करने के बाद जो भी आएगा वो आ जाएगा गाइस, ठीक है। ठीक है, जो पॉइंट वाले, जो पॉइंट के इस साइड का जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा ये, और पॉइंट के इस साइड जो आपको दिया होगा वो तो दिया ही होगा आपको पहले से ही, तो उसको आपको सिर्फ ऐड कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा अब देखो अगर आपको किसी ने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तब आप उस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि आपको कोई भी मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है इस टाइप से, जैसे कि 0.2333 इस तरीके से चलता जा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो गाइस इसका फॉर्मूला ये है कि न्यूमरेटर में अपने को क्या लिखना है, देखो जो इसका जो न्यूमरेटर है ना यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेसिमल के बाद, ठीक है, ये आपका डेसिमल है, इसके बाद जितने भी नंबर हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं वो नहीं, ठीक है, जितने भी मतलब जैसे 2, 3 ये नंबर है एक्चुअल, ठीक है, 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होने के बाद जो नंबर है वो नहीं, ठीक है, जो मतलब बिना रिपीटिंग के जो नंबर बन रहा है
वो नंबर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 3, अब 3 बार बार रिपीट होता जाए तो बार बार थोड़ी लिखेंगे इसको यहाँ तक, ठीक है, बस जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक बार और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो भी एक बार, उन सबसे मिलकर जो नंबर बन रहा है वो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले आप, ठीक है, आपने वो नंबर लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, जो नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अब ये नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है 2, ठीक है, ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ से माइनस करना है गाइस, ठीक है, इस 2 को यहाँ से माइनस करना है, ठीक है, ये तो आपका बनेगा न्यूमरेटर। आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, आपका डिनोमिनेटर बनेगा गाइस सबसे पहले तो आपको लिखना है 9, ठीक है, तो आप 9 कहाँ पर लिखोगे, जितने आपके रिकरिंग नंबर्स होंगे उतने आपको 9 लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस फ्रैक्शन में पर्टिकुलरली तो एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 3 3, तो आपको सिर्फ एक ही 9 लिखना है गाइस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, जो नंबर नॉन रिकरिंग है, ठीक है, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं उनकी जगह आपको लिखना है 0, जितने भी वो नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक 2 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक ही नंबर है तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 21/90, ठीक है, तो इस 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 7 21, 3 3 9 0, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा गाइज वो आएगा आपका 7/30, ठीक है। तो अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, अगर सपोज़ ये 0. ये होने की बजाय ये 2.2333 ये इस टाइप का नंबर होता तब आप क्या करते, ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका फ्रैक्शन तो ये होगा गाइज, ठीक है, 2 यहाँ पे है तो 2 7/30, तब वहाँ पे आप ये करते फिर आप इसको सॉल्व करते, ठीक है, जैसे कि इसमें 30 एलसीएम होता है 60, तो 67/30, ठीक है, ये इसका आंसर निकल जाता, तो ये तो इस टाइप से बनता फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये है आपका, तो ये आप समझ गए होंगे। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले नंबर आफ्टर डेसिमल, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि जो रिकरिंग है वो लिखना है या नहीं लिखना है, सारा नंबर वो लिखना है आपको, ठीक है, माइनस नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है, ये तो आपका बनेगा गाइस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो 9 है, ठीक है, हाउ मेनी 9s, 9 आएंगे आपके इक्वल्स टू रिकरिंग नंबर्स, ठीक है, जितने आपके रिकरिंग नंबर हैं उतने आपको 9 लिखने हैं, उसके बाद जीरोस कितने लिखने हैं गाइस, जितने आपके नॉन रिकरिंग नंबर हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर्स, जितने भी आपके नॉन रिकरिंग नंबर हैं उनकी जगह आपको जीरोस लिखने हैं, ठीक है, तो जो आपका ये फॉर्मूला बनेगा, इसके बाद जो आपका जो भी आपका वो फ्रैक्शन बन के आएगा उसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा वापस से समझा देता हूँ, जो प्योर रिकरिंग डेसिमल होते हैं गाइस उसमें ये वाला लगता है फॉर्मूला, जो रिकरिंग नंबर हैं उनको आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है, अच्छा, जितने रिकरिंग नंबर होते हैं उनके इक्वल आप वहाँ पे नीचे 9 लिखते हैं, फिर उसको आप सॉल्व करते हैं, जो भी आता है आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर दोनों टाइप के वहाँ पे होते हैं नंबर, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है वो नंबर आप लिखते हैं, ठीक है, उसमें से आप जो नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं वो माइनस करते हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं 9। 9 कितने होते हैं, वो 9 होते हैं गाइज जितने भी आपके जो रिकरिंग नंबर हैं जितने भी हैं उनके बराबर आप 9 लिखते हो। 0 कितने लिखोगे, जितने आपके नॉन रिकरिंग नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल के बाद, जैसे कि आपका ये नंबर था यहाँ पे टोटल,
0.233 के ऊपर बार था, ये इस टाइप का नंबर था, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो डेसिमल के बाद क्या नंबर है आपका 0.23, तो आपने यहाँ पे लिखा 23, ठीक है। इसमें से आपने माइनस क्या किया है 2, ये क्या है, ये है नॉन रिकरिंग नंबर। तो जो नॉन रिकरिंग नंबर हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उस नंबर को आपने इसमें से माइनस किया है। नीचे क्या लिखा है 9, तो 9 क्या है, 9 कितने लिखे हैं आपने, 9 लिखे हैं रिकरिंग नंबर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकरिंग नंबर है 3, ठीक है, एक नंबर ही रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे होता 3, 2, इसके ऊपर बार होता, तो जितने नंबरों के ऊपर बार होता उतने आप यहाँ पे 9 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उस टाइम पे यहाँ पे 2 9 आ जाते गाइज, ठीक है। जीरो कितने लिखने हैं, 0 लिखने हैं जितने नंबर नॉन रिपीटिंग हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, तो आपने 1 लिख दिया। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अब गाइज ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा बॉर्ड मास गाइज, ठीक है। जो बॉर्ड मास के जो रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और बिलीव मी गाइज, ये बॉर्ड मास जो है ना, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है गाइज, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन के जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, वहाँ भी आपका ये काम आता है। अगर वहाँ पे आपका ये लॉजिक एकदम एप्ट और क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप फंस सकते हो, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो होता है बहुत सही बना कर देता है बॉस, ठीक है। जो क्वेश्चन वो देता है ना, वो बहुत सही बना कर देता है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम सही नहीं कर रहे होते हैं, हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम बॉर्ड मास पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बताऊँ आपको, फिर हम सेट डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा, और ये तो गाइज आपके कम से कम 3 नंबर तो आपको दिलवा सकता है आराम से ये टॉपिक, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बॉर्ड मास से वो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन में वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो आपकी जो कैलकुलेटिव पावर होती है वो तो देखता ही देखता है, लेकिन साथ में ये भी देखता है कि आपको बॉर्ड मास के रूल्स पता है कि नहीं पता गाइज, ठीक है। तो आप जो है इसको भी ज़रूर कीजिएगा, जो नेक्स्ट वो होगा हमारा लेक्चर। और गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको अगर रेलिवेंट स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो हमारा FB पे भी पेज है, Facebook पे भी, MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रेलिवेंट स्टडी मटेरियल के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे बच्चे मोस्टली फंस जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप आज का आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।